हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के सेपरेशन की तो बात कर ली. नाउ लुक अपॉन कि अगर हमें होमोजीनियस मिक्सचर्स में सेपरेशन करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट केस दैट आई एम टेकिंग इज कि मेरे पास अगर दो ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में बिल्कुल टोटली मिसिबल हैं, जो बिल्कुल ही मिक्स हो जाते हैं, हमें कोई सेपरेटिंग लेयर, सेपरेशन लेयर उनमें नहीं दिखाई देती, तो मैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे अलग करूं. तो इस केस में फर्दर दो केसेस हमारे पास पॉसिबल हैं. पहला केस, जो दो लिक्विड्स होंगे मिक्सचर में उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है. यानी फॉर एग्जाम्पल एसीटोन एंड वाटर, ये दोनों लिक्विड आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, कोई सेपरेशन लेयर आपको नहीं दिखाई देती, ये होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं. और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का है 56 डिग्री सेल्सियस. यानी एसीटोन जो है वो 56 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा. जबकि दूसरी तरफ मेरे पास वो लिक्विड्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है. फॉर एग्जाम्पल एसीटोन एंड एल्कोहल, एल्कोहल जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल अप होना शुरू होता है और एसीटोन जो है वो 56 डिग्री सेल्सियस पे. तो इनके लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं वो अलग अलग हैं. फर्स्ट केस के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन, एंड जो सेकंड केस के लिए हम मेथड यूज करते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है. सो लेट्स लुक अपॉन दैट हाउ दीज मेथड्स हेल्प इन सेपरेटिंग दीज टू मिसेबल लिक्विड्स. ओके, लुक एट दिस डायग्राम, दैट व्हाट दिस डायग्राम इज ट्राइंग टू शो अप. सबसे पहले ये जो सेटअप है उसे क्लियर कर लेते हैं. ये हमारे पास एक सिंपल फ्लास्क है जिसके अंदर हम अपना मिक्सचर डालने वाले हैं. इसको हमने प्रॉपरली एक क्लैम्प स्टैंड में क्लैम्प कर दिया है, फिक्स कर दिया है, एंड इसको हमने एक ये वायर गॉज के ऊपर प्रॉपरली स्टैंड में एक बंसन बर्नर के ऊपर रख दिया है. हमने इस फ्लास्क को ऊपर से प्रॉपरली कॉर्क कर दिया है और सिर्फ इतना ही उसमें होल है कि उसके थ्रू थर्मामीटर आ सके, एंड हमने थर्मामीटर फिक्स कर दिया ताकि हमें इस फ्लास्क का टेम्परेचर प्रॉपरली पता लग सके. उसके बाद ये फ्लास्क आगे कनेक्टेड है कंडेंसर से. यानी ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है कंडेंसर में, एक तो ये बीच में पाइप जा रहा है एक, एंड उसके अराउंड का जो पोर्शन है वहां पर कोल्ड वाटर होता है जिसकी हेल्प से इस मिडल पाइप में जो भी वेपर आएगा वो इस कोल्ड वाटर की वजह से लिक्विफाई हो जाएगा, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से, एंड फिर वो लिक्विफाई होकर इस ट्यूब्यूल में से इस फ्लास्क में अलग से आकर हमें मिल जाएगा. सो दिस इज द कंप्लीट सेटअप. नाउ हाउ इट वर्क्स. सो मैंने इस फ्लास्क में क्या लिया, मैंने इस फ्लास्क में एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लिया. वो दोनों आपस में प्रॉपरली मिक्स हैं. आप यहाँ इस सी वाटर को अवॉइड कर दीजिए क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आगे कि इस प्रोसेस को हम सी वाटर की सेपरेशन के लिए भी कैसे यूज कर सकते हैं. बट फॉर इंस्टेंस आप अभी इसको क्या लीजिए, एसीटोन एंड वाटर. यहाँ पर एसीटोन एंड वाटर है. एसीटोन जो कि 56 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो यहां से हमने बर्निंग स्टार्ट की. थर्मामीटर में हमने टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, 52 डिग्री सेल्सियस हुआ, 56 डिग्री सेल्सियस हुआ. जैसे ही टेम्परेचर इस फ्लास्क का 56 डिग्री सेल्सियस हुआ यानी एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, उसी मोमेंट क्या होगा, इस फ्लास्क में से, इस मिक्सचर में से जो एसीटोन है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है. एंड वो वेपर्स यहां से तो एस्केप हो नहीं पाएंगे, तो वो वेपर्स कहाँ जाएंगे, वो वेपर्स जाएंगे यहाँ. एंड इस ट्यूब्यूल में जब वो आएंगे, यहाँ पर साइड में कंडेंसर है. साइड में कंडेंसर क्या काम कर रहा है, वो एकदम लो टेम्परेचर का वाटर प्रोवाइड करा रहा है. उस लो टेम्परेचर की वजह से, हमें पता है जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो जो लिक्विड वेपर स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. तो कंडेंसर का काम ही ये होता है कि वो वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में ले आए. तो जो यहाँ पर एसीटोन के वेपर्स आए हैं वो लिक्विफाई हो जाएंगे और हमें इस पाइप के थ्रू यहाँ पर क्या मिलेगा, लिक्विड स्टेट में एसीटोन. तो यानी जब थोड़ी देर में हमें क्या पता लगेगा कि हमें सारा एसीटोन यहाँ रिकवर होकर मिल गया है और वाटर यही है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. हमें ध्यान रखना है कि हम इस फ्लास्क का टेम्परेचर 100 डिग्री ना रीच होने दें, बिकॉज अगर ये 100 डिग्री के नियर अबाउट हो गया तो कुछ वाटर भी वेपरस फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा. सो दिस इज हाउ हमें यहाँ वाटर मिल जाएगा एंड यहाँ पर
एसीटोन एंड वी विल स्विच ऑफ द बर्नर, और हमें दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो सेपरेट मिल गए. यानी हमने एक ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर दिया जिसके दोनों लिक्विड्स में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था. एंड इसी पूरे प्रोसीजर को डिस्टिलेशन बोला जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन. और जो ये हमारा फ्लास्क है इसीलिए इसे स्पेशली डिस्टिलेशन फ्लास्क बोला जाता है. नाउ लुक एट दोज लिक्विड सेपरेशन, जिन केसेस में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एक एग्जाम्पल देखा था बोर्ड पर, एसीटोन एंड अल्कोहल. सो लेट्स सी उनकी सेपरेशन में जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं वो कैसे डिफरेंट है इस नॉर्मल डिस्टिलेशन से. सेटअप फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस एग्जाम्पल में जो हम सेपरेशन कर रहे हैं वो हम अल्कोहल और वाटर की कर रहे हैं. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री होता है. एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या यहाँ पर अराइज हो रही है कि अल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा करीब है कि जब हम अल्कोहल को इवेपोरेट करने के लिए टेम्परेचर 75 डिग्री या 80 डिग्री के अराउंड अगर करेंगे, अल्कोहल तब इवेपोरेट होगी. एंड जो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के भी काफ़ी नियर है. तो इस वजह से चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि जो वाटर है वो भी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होकर अल्कोहल के साथ आ जाएगा. इसीलिए हम 25 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस होने पर बॉइलिंग पॉइंट में जो हमारे दोनों मिक्सचर्स में जो लिक्विड प्रेजेंट है हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते. वी नीड टू यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो इसमें क्या डिफरेंस आता है, लेट्स लुक एट दिस अगेन. सेम ये फ्लास्क डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसमें हमने अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर लिया है. हमने इसको प्रॉपरली अच्छे से कॉर्क किया एंड इसके अंदर हमने एक ये न्यू यूनिट ऐड कर दिए जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर क्या है, ग्लास बीड्स. एक्चुअल में इस पूरे यूनिट का काम क्या होता है कि ये वेपर्स के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है. जो वेपर्स बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वेपर्स होंगे वो तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस करके यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जो वेपर्स कम एनर्जी के होंगे वो इन ऑब्स्ट्रक्शन को पास नहीं कर पाएंगे और वो फ्लो करके वापस इसी फ्लास्क में फ्लो कर जाएंगे, ड्रिप कर जाएंगे. तो जब अगर अल्कोहल एंड वाटर अगर मैं ले रही हूं और मैंने इसको हीट अप किया नियर अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो क्या हुआ, अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो ज्यादा हैं और वो ज्यादा हाई एनर्जी है क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है. लेकिन यहां पर कुछ वेपर्स वाटर के भी हैं लेकिन वो इतने ज्यादा हाई एनर्जी नहीं है क्योंकि अभी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत दूर है. मैंने टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस किया तो उस केस में जितने भी वेपर्स होंगे वो मोस्टली अल्कोहल के होंगे क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है. वो जो वेपर्स हैं वो इतने हाई एनर्जी वेपर्स हैं कि वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस करके यहाँ कंडेंसर में पहुंच जाएंगे और लिक्विफाई होकर हमें यहाँ पर लिक्विड अल्कोहल सेपरेटेड मिल जाएगी. लेकिन उसी टेम्परेचर पर यहाँ पर कुछ वेपर्स वाटर के भी होंगे लेकिन अभी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दूर है इसलिए उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होगी और वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और हमें यहाँ पर वापस मिल जाएंगे. सो दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट द वेपर्स ऑफ द सेकेंड लिक्विड विच इज हैविंग अ बिट मोर हायर बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम द प्रिसीडिंग वन. सो दिस इज द complete setup for the fractionating fractional distillation and the difference between the simple distillation and fractional distillation is just of this fractionating column. हमने होमोजीनियस मिक्सचर में ये चीज तो डिस्कस कर ली कि दो मिसेबल लिक्विड्स के बीच में जो लाइक मिक्सचर फॉर्म अप हुआ है हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे. लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर्स तो ऐसे भी होते हैं जिन केसेस में हम लिक्विड के अंदर कुछ सॉलिड डिसॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर. इन मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट करें. एक्चुअल में इन मिक्सचर्स में क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी कि जो सॉलिड सल्यूट होगा वो नॉन वॉलेटाइल होगा. नॉन वॉलेटाइल मतलब अगर हम उसे हीट अप करते रहेंगे तो वो इवेपोरेट नहीं होगा. लेकिन जो लिक्विड है वो वॉलेटाइल लिक्विड होगा. हम ये टर्म ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. लिक्विड यानी वो एक ऐसा मैटर होगा जिसको हम अगर हीट अप करेंगे तो वो इवेपोरेट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं सॉल्ट एंड वाटर की बात कर रही हूं तो जो सॉल्ट है वो इवेपोरेट नहीं होता, वो नॉन वॉलेटाइल है. जबकि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो वॉलेटाइल है.
तो ऐसे केस में हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे? हम सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं और हम सिंपल डिस्टिलेशन भी यूज कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ बोथ ऑफ दीज टेक्निक्स कैन बी यूज टू सेपरेट देम. ओके, सो लुक एट द इवेपोरेशन टेक्निक. इसमें सॉल्ट एंड वाटर ना दिखाकर रेड इंक का इवेपोरेशन दिखाया गया है. एक्चुअली अगर मैं रेड इंक ले रही हूँ तो उसमें जो रेड कलर होगा दैट विल बी अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, और जो इंक बनाई गई है वो वाटर में डिजोल्व करके बनाई गई है, तो जो वॉलेटाइल लिक्विड होगा वो वाटर होगा. तो सिंपल इट्स एन एग्जाम्पल लाइक सॉल्ट इन वाटर ओनली, ऐसे ही रेड इंक इन वाटर ओनली. तो इवेपोरेशन की हेल्प से हमने ने कैसे सेपरेट किया? मैंने एक चाइना एक वॉच ग्लास लिया. वॉच ग्लास जो है वो इसी शेप का एक कंटेनर होता है. मैंने उसके अंदर रेड इंक की कुछ ड्रॉप्स डाली. तो इस रेड इंक के सोल्यूशन में क्या है? इसमें रेड कलर का सॉलिड रेजिड्यू है और साथ में वाटर है. मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर में वाटर लिया और उसके ऊपर ही इस वॉच ग्लास को रखा और मैंने इसको हीट करना शुरू करा. मैं इस वॉच ग्लास को इस रेड इंक के मिक्सचर को डायरेक्टली क्यों नहीं हीट कर रही हूँ? क्योंकि चांसेस हैं कि डायरेक्ट हीट होने की वजह से जो इसमें रेड इंक सॉलिड है ना वो डिकम्पोज हो जाए, वो बर्न हो जाए. इसलिए मैं इनडायरेक्ट हीटिंग कर रही हूँ. इस फ्लेम की वजह से ये जो पानी है ये गर्म होगा, इसकी वजह से हॉट वेपर्स जो हैं हाई एनर्जी वेपर्स यहाँ निकलेंगे जिसकी वजह से इस रेड इंक का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा. सो दिस इज इनडायरेक्ट हीटिंग. कुछ टाइम बाद मैं क्या देखूंगी, जो इसमें सोल्यूशन में जो वाटर था वो सारा का सारा इवेपोरेट होकर वेपर में कन्वर्ट होकर चला जाएगा और इस वॉच ग्लास में मुझे रेड कलर का सॉलिड रेजिड्यू मिलेगा. दैट मीन्स मैंने सारे वेपर जो इसमें वाटर प्रेजेंट था उसको मैंने इवेपोरेट करके हटा दिया और जो सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट था रेड इंक का उसको मैंने यहीं पर वो मुझे मिल गया यहाँ पर. सो दिस इज हाउ इवेपोरेशन हेल्प्स. मैं सेम यही काम सॉल्ट एंड वाटर का कर सकती हूँ. मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स अगर सॉल्ट सोल्यूशन के डालूँ तो पानी इसी तरीके से इवेपोरेट हो जाएगा और मुझे यहाँ पर सॉलिड सॉल्ट रेजिड्यू मिल जाएगा. नाउ लेट्स लुक अपॉन कि डिस्टिलेशन से हम कैसे कर सकते हैं इस प्रोसीजर को. हमने डिस्टिलेशन अभी पढ़ा था, नाउ यू कैन लुक एट इट एज प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर. मैं इस फ्लास्क में सिंपल सी वाटर डालूंगी जिसमें सॉल्ट है और वाटर है. जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा जो इसमें से वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट होकर यहाँ आना स्टार्ट होगा और हमें यहाँ वाटर मिल जाएगा और सॉल्ट यहाँ से वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है. तो बहुत देर हीटिंग के बाद जब सारा वाटर इधर आ चुका होगा हमें इस फ्लास्क में नीचे सॉल्ट मिल जाएगा. दिस इज हाउ द सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर फॉर द कंजम्पशन of living beings. Okay, so we have come to the end of this chapter. हमने इस chapter में properly matter का सारा classification पढ़ा, pure substances, impure substances, homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures, सभी separation techniques हमने पढ़ी, physical changes, chemical changes हमने पढ़े. So just go through this video, grab the chapter properly, and it's my advice to you people that properly check your portal, because portal पर हम 1 or 2 day में chapter complete होने के assignments and worksheets वहाँ पर upload कर रहे हैं. So just go through all those worksheets and assignments that are totally related to the videos. The topics that are being covered in the video वो बिल्कुल उसी पर depend करते हैं. जहाँ आप अपने notes बना रहे हैं वहीं पर उन assignments को worksheet को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए सो दैट यू कैन ग्रैब द चैप्टर प्रॉपरली. एंड दिस कोविड आउटब्रेक लाइक दिस एक्सटेंडेड कर्फ्यू लाइक कंडीशंस वोंट अफेक्ट योर स्टडीज एनी मोर. सो स्टे सेफ, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम्स. थैंक यू.